ना चाहते हुए भी हमेशा जहां से बाल कटवाता हूं वो छोड़ के कहीं और से बाल कटवाना पड़ रहा है मुझे। कहीं और से बाल कटवाना, यही उस वक्त की सबसे बड़ी गलती थी मेरी। तो बात कुछ ऐसी है कि हाल ही में हॉस्टल बदला है मैंने। नया मोहल्ला, नए लोग, नया कच्चा और नया नाई। आप किसी दुकान में पहली बार जा रहे हैं तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए ताकि आप दोबारा जरूर आए, पर मेरे साथ तो उल्टा ही हो गया गाइस। पटना में चुनाव का माहौल चल रहा है, शर्मा जी ने आधे बाल काटे और आधे छोड़ के यादव जी की गुजरती रैली देखने चले गए। बताओ ये भी कोई बात है? इस दुख से बाहर ही आया था कि न जाने कौन सी सफेद चिपचिपी चीज लगा दी उन्होंने। सोचते सोचते घर पहुंचता हूं तो देखता हूं कि मेरा दोस्त मुंह बना के क्यों बैठा है। भाई गर्लफ्रेंड भाग गई क्या? गर्लफ्रेंड आई नहीं तो भाई कहां? तो सड़े हुए अंडे जैसा मुंह बना के क्यों बैठा है? सैलून वाले भैया ने भी ऐसा ही कुछ लगाया था, बदबूदार सड़े हुए अंडे जैसा। ए तू इधर आ, ये देख। ये क्या है? ये है मुस्टैच का स्किन लाइटनिंग कॉम्बो। इससे तू अचानक से शाहरुख खान तो नहीं बनेगा, पर हाँ तेरा मुरझाया हुआ चेहरा जरूर खिल जाएगा। इसमें आता है मुस्टैच का स्किन लाइटनिंग ऑयल, जिसमें हल्दी और एलोवेरा के गुण है, जो तेरी स्किन को अंदर से लाइट एंड ब्राइट दिखाएगी। इसके 3-4 ड्रॉप्स अपने हाथ पे लेने हैं और अच्छे से फेस पे अप्लाई करना है, और उसके 10 मिनट बाद इस ब्लू फोमिंग फेस वॉश से अपने चेहरे को सिलिकॉन ब्रश की मदद से वॉश करना है। इसमें लाइक्रिस एक्सट्रैक्ट है जो पिगमेंटेशन कम करेगा और इंस्टेंट ग्लो करता है। देना मेरे को, मैं भी धो लेता हूँ। चल भागे, तू अपना मंगा ले। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में पिन किया है मैंने।